दहेज एक तरह का हमारे समाज के ऊपर कलंक है जो नए नए रिश्तों को सौदे में तब्दील कर देता है। अभी बीते दिनों पहले भी मैंने आपके समक्ष एक दहेज का मामला रखा था। आज के समय में कुछ बुद्धिजीवी ये कहते सुनाई पड़ते हैं कि पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन आज मैं कहूँ कि ऐसा पढ़े लिखे लोग ज़्यादा करते हैं तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, आज के समय में ज़्यादातर लोग शादी करने नहीं बल्कि सौदा करने जाते हैं, और अगर शादी में दहेज ना मिले तो फिर जो कानपुर की लड़की के साथ हुआ है वो करते हैं, जिसे मैं साफ कहूँगा कि इंसान तो नहीं बल्कि जानवर ही कर सकता है। और क्या पता ऐसी घटिया बर्बरता को देखकर वो भी कहे कि ऐसा मैं भी नहीं कर सकता। चलिए आपको पूरा मामला बताता हूँ। नमस्कार, मैं शिवम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। यूपी के कानपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शख्स ने दहेज न मिलने पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर कथित तौर पर अपनी पत्नी का गैंगरेप किया। महिला ने पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने कहा कि इस गैंगरेप में उसकी सास और ननंद ने भी पति का साथ दिया। पीड़िता महिला ने बताया कि उसकी शादी साल 2020 में हुई थी, तभी से उसके ससुराल वाले 2 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहे थे। मायके वाले दहेज देने में असमर्थ थे तो ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। महिला ने बताया कि कुछ दिनों पहले उसके पति ने उसे कमरे में बंद कर दिया और उसका फोन भी छीन लिया। इसके एक दिन बाद पति नशे में अपने दोस्त शंभू, गौरव और बबलू के साथ घर आया और चारों ने मिलकर उसका गैंगरेप किया। आपको बता दें, महिला ने बताया कि जब उसने इसका विरोध किया तो पति ने उस पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले करने की कोशिश की। किसी तरह बचकर वह अपने मायके पहुंची और पुलिस को जाकर आग बीती बताई। महिला की शिकायत पर चकेरी पुलिस ने महिला के पति और 3 दोस्तों के खिलाफ गैंगरेप का मामले में FIR दर्ज की। इस पूरे मामले में पुलिस ने महिला की सास और ननद को भी सहयोगी मानकर आरोपी बनाया है। उल्लेखनीय है कि जब मैंने इस मामले को लेकर DCP प्रमोद कुमार से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पत्नी की शिकायत पर गैंगरेप की FIR दर्ज की गई है, मामले की जांच की जा रही है। वहीं पत्नी ने किसी भी तरह की बातचीत करने से अभी इनकार कर दिया है। पति और उसके घर वाले घर का ताला लगाकर फरार हो गए हैं। महिला का पति एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो बात अभी मैं कह रहा था आज के समय के हिसाब से बिल्कुल उचित है कि आज सबसे ज्यादा दहेज की मांग पढ़े लिखे लोग ही कर रहे हैं और नहीं मिलने पर फिर इतने नीचे गिर रहे हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही। अब दीजिए इजाजत, देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।